होली के मद्देनजर ले जाई जा रही अवैध शराब के एक बड़े खेप को शाहदरा जिला की जीटीबी इंक्लेव थाना पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को वैगनार कार से 48 पेटियों में रखी गई 2400 क्वार्टर शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कार चालक को गिरफ्तार कर शराब और कार को जब्त कर लिया है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि हेड कांस्टेबल देवेंद्र और हेड कांस्टेबल दुष्यंत पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि शराब तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जीटीवी इंक्लेव इलाके में आने वाला है। अवैध शराब के संबंध में सूचना मिलने पर जीटीवी इंक्लेव के एफ पॉकेट के पास जाल बिछाया गया और एक वैगनार कार नंबर DL6CL0740 को पकड़ा गया। कार की जांच करने पर अवैध शराब के 48 कार्टून पाए गए, जिनमें से प्रत्येक में 50 क्वार्टर थे, जिनमें हरियाणा में बिक्री के लिए ADS फ्रेश मोटा ऑरेंज मसालादार देशी शराब की ब्रांडिंग थी, वो बरामद किए गए थे। कार चालक की पहचान सुनील पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी H3 गली नंबर 1 रिसाल गार्डन नांगलोई दिल्ली के रूप में हुई है। सुनील के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33/58 के तहत FIR संख्या 86/23 के तहत एक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील के खिलाफ पहले से ही शराब तस्करी सहित कई आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थाने में दर्ज है। पूछताछ में सुनील ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से शराब की तस्करी में सक्रिय है। हरियाणा से शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाके में सप्लाई करता है। शराब की तस्करी करने में वह कार का इस्तेमाल करता है ताकि पकड़े जाने का खतरा कम हो। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस बात का पता लगा रही है कि उसके इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।